सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर एंड अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डाउट आ रहा है बच्चों का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट, काफ़ी ज़्यादा कमेंट बार बार एक ही चीज़ का आया जा रहा है यार। जो मैंने सुबह वीडियो बनाई उसके नीचे भी और प्रीवियस वीडियोज़ के कमेंट्स भी मैं एनालाइज कर रहा था, तो एक ही एक कमेंट, रिपीटेड कमेंट अलग अलग बच्चे बार बार कर रहे हैं। वो कमेंट ये है कि भैया हमको कब तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, एंड डेट क्या है सिलेबस कंप्लीट करने की, और जेईई मेंस की एक्सपेक्टेड फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट क्या हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से जरूर प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जहाँ पर फ्री गाइड चल रही है, आप हमारे को ज्वाइन करके कोई भी पर्सनल आपका डाउट है तो आप वहां पे हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और ट्विटर पे भी हमको फॉलो कर लीजिए, हो सकता है फ्यूचर में कुछ काम आ जाए हमारे। तो तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम इंस्टाग्राम और ट्विटर तीनों पे हमको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो यार मैं आपको बता दूं कि कौन सी ऐसी एंड डेट है जब तक आपको मान के पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एकदम फ्री हो जाना चाहिए। मैं बता दूं वो डेट है 10th अप्रैल। 10th अप्रैल तक आपको आपका सिलेबस कंप्लीशन, मॉक टेस्ट और रिवीजन तीनों से एकदम फ्री हो जाना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट, 2 से 3 बार रिवीजन और कम से कम 6-7 मॉक टेस्ट दे के आप 10th अप्रैल तक फ्री हो जाए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। अब वैसे तो 10th अप्रैल को पेपर होने के चांस 1 से 2% से ज़्यादा नहीं है, वो अगर एनटीए को मजाक करना होगा तो कर लेगा, ठीक है, बाकी इसके चांस बहुत ज़्यादा कम है। अगर तब भी हो जाता है तो भी आपकी तैयारी फुल प्रिपेयर्ड है, और मान लो तब नहीं होता है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और मॉक टेस्ट देने का और 1-2 रिवीजन और करने का। ठीक है, तो 10th अप्रैल आप डेडलाइन मान सकते हो, जब तक आपको सिलेबस कंप्लीशन, मॉक टेस्ट और रिवीजन तीनों अच्छे से कर देना है। तो आपके पास यार टाइम बहुत कम बचा है तो अपनी गाड़ी को चौथे गियर में डाल के और बिल्कुल 100 की स्पीड से भगाना शुरू कर दो, नहीं तो और लोगों से कब पीछे रह जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ये टाइम है ही ऐसा, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, तो इसको अच्छे से स्ट्रेटेजी प्लान करके फिर यूज करो। अगर कोई डाउट आता है तो बता रहा हूं टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आके हमसे आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पे डिस्कशन ग्रुप का भी हम आपको लिंक वहीं पे प्रोवाइड करा देते हैं चैनल पे ही, तो वहां से आके आप पर्सनली हमसे डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको बताने में काफी ज्यादा खुशी होगी आपको, तो कोई उसमें परेशानी नहीं, आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। 10 अप्रैल आप मान के चलिए, 10 अप्रैल को एग्जाम वैसे होगा नहीं, और अगर उस दिन हो जाता है तब तक आपकी तैयारी पूरी है, और उसके बाद होता है तो आपको और रिविजन करने का और मॉक टेस्ट देने का टाइम मिल जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट की एक्सपेक्टेड डेट मेरे हिसाब से मई के अंदर होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। बाकी सो कॉल्ड त्यागी कुछ भी बोले उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनके पास जो उनके पापा चाचा एनटीए में बैठे हैं, ठीक है, फूफा जी उनके एनटीए के डायरेक्टर है, वो हमारे तो खैर नहीं है बट उनके हैं, तब भी उनको गलत इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि 23rd-24th मार्च को एग्जाम हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल बडीज, आज 19 फरवरी हो गई है, कोई नोटिफिकेशन अभी तक है नहीं, मतलब 23 मार्च को कराना मतलब विद इन 1 मंथ, और 1 मंथ के अंदर 30 डेज के गैप में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 12 लाख बच्चों का, 12 लाख बच्चों का करेक्शन भी हो जाएगा, सेंटर भी अलॉट हो जाएंगे, शिफ्ट भी अलॉट हो जाएगा, सब हो जाएगा एक महीने के अंदर 12 लाख बच्चों का। एग्जाम ही क्यों ले रहे हो फिर, तो बंद ही कर दो ना सिस्टम ही। तो यार वो सब चीज़ों के अंदर आपको नहीं पढ़ना है, 10th अप्रैल लास्ट डेट मान के आपको अपना मॉक टेस्ट, रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन तीनों कंप्लीट कर लेना है। कोई भी आपको डाउट बसता है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।